कहते हैं काले जादू से किसी पुतले पर सुई चुभोकर इंसान को तकलीफ दी जा सकती है, उसे वश करके मनचाहा काम करवाया जा सकता है, इंसान को जानवर तक बनाया जा सकता है। यही कारण है कि आज भी काले जादू का नाम आते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले नींबू, मिर्च, सुई, पुतला और खौफ आता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे गाँव के बारे में जिसे आज भी काले जादू का गढ़ माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस फैक्ट में हम आपको ऐसे ही रोचक फैक्ट्स बताते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग काले जादू से पुतले में सुई चुभोकर किसी भी इंसान को तकलीफ पहुँचा सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि असम राज्य में गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर इस छोटे से गाँव का नाम मायोग है। यहाँ के घर में आज भी काला जादू किया जाता है। दरअसल मायोग संस्कृत शब्द माया से बना है। जय संहिता यानी महाभारत में भी मायोग का वर्णन किया गया। माना जाता है कि भीम का मायावी पुत्र घटोत्कच मायोग का ही राजा था। बात सन 1332 की है, जब असम का मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने करीब 1,00,000 घुड़सवारों के साथ आक्रमण किया था। उस दौरान यहां हजारों की संख्या में मौजूद तांत्रिकों ने मायोग को बचाने के लिए एक मायावी दीवार खड़ी कर दी थी। जैसे ही मुगल सैनिक ये दीवार पार करते, सैनिक गायब हो जाते थे। दुनिया भर के लोग काला जादू सीखने के लिए आज भी असम के मायोग गाँव में आते हैं। अधिकांश तौर पर लोग या तो अपनी बीमारियाँ दूर करवाने आते हैं या फिर किसी पर काला जादू करवाने आते हैं। आपको बता दें कि मायोग में भी एक बूढ़े मायोग नाम की एक जगह है जिसे लोग काले जादू का केंद्र मानते हैं। पहले यहाँ नर बलि दी जाती थी। यहाँ एक योनिक कुंड है जिस पर आज भी मंत्र शक्ति लिखा हुआ है। इसी मंत्र शक्ति के कारण इस कुंड में हमेशा पानी भरा रहता है। ऐसी मान्यता है कि बूढ़े मायोग के लोग काले जादू में इतने सिद्धहस्त हैं कि अपने जादू से इंसान को गायब कर देते हैं या फिर उसे जानवर बना देते हैं। यहाँ के लोग आज भी सम्मोहन विद्या से जंगली जानवर तक को पालतू बना देते हैं। बेसन तथा उड़द के आटे से गुड़िया बनाकर जिस पर जादू करना होता है, इस गुड़िया को जागृत किया जाता है। यह एक ऐसी दुर्लभ प्रक्रिया है जिसमें कुछ लोग ही सिद्धहस्त हैं। धर्म और तांत्रिक विशेषज्ञों का कहना है कि जादू का लक्ष्य किसी भी इंसान को तकलीफ पहुँचाना नहीं होता है। ये काला जादू का शब्द भी गलत है। दरअसल तंत्र की ये एक ऐसी विद्या है जिसे भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्तों को दिया था। प्राचीन काल में विशेष मंत्रों से सिद्धहस्त व्यक्ति पुतले के अंग विशेष में सुई चुभोकर रोगी के रोग को दूर करते थे। पुतले में सुई चुभोकर रोगी को एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की जाती थी। बाद में इसी विधि ने वैज्ञानिक तरीके से रेकी और एक्यूप्रेशर का नाम ले लिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।